और इससे निराला जी और अधिक उमस उमस कर गर्जा करते थे, मगर मुझे निरुत्तर पाकर थोड़ी देर में चुप्पी हो जाया करते थे। रामविलास मेरी जैसी चुप्पी के कायल न थे। जहां निराला जी ने गर्जन तर्जन आरंभ किया नहीं कि रामविलास ने उन्हें चहकना शुरू कर दिया। विलास की टेक्निक यह रहती थी कि निराला जी के उबाल पर ठंडे पानी के चुल्लू जैसा एक छोटा सा वाट फेंक देते थे और विरोध पाकर निराला जी और उबलते। रामविलास फिर एक फुलझड़ी छोड़ देते। निराला जी फिर तो जी खोलकर अपने लंबे लंबे बालों और यूनानी देवताओं जैसे शरीर को बार बार झटका देकर बब्बर शेर की तरह दहाड़ने लगते हैं। रामविलास मौका पाकर साधने लगते हैं, जहां निराला जी के एक वाक्य के पूरा होने और दूसरे वाक्य की उठान के बीच में जरा सी थमाव आता और वही एक चुपता हुआ फिकरा अपने ठंडे स्वर में और छोड़ देते। बस फिर तो निराला जी क्रोध से बावले हो उठते थे। अपने क्रोध के लिए अपने अंदर कोई जोरदार तर्क न पाकर वह बेचारे उत्तर तो दे न पाते थे। हाँ, हारे हुए पहलवान की तरह घूर घूर कर रामविलास को देखते हुए गड़बड़ाने लगते थे। रामविलास अपने स्वभाव से विवश थे। बेतुकी बात सुनकर उनसे बगैर जवाब दिए रहा ही नहीं जाता। दोस्तों, जब हम यह डिस्कशन कर रहे हैं या हम आपके सामने स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, तो निश्चित ही चुप रामविलास और निराला इन दोनों के मध्य जो घटनाएं घटित होती है उसका जीवन दस्तावेज इस जगह पर देने का प्रयास किया गया है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके, आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है ना। सन 44 में रामविलास बंबई आए। उस समय तक वे प्रगतिशील आंदोलन से प्रभावित होकर बहुत हद तक मार्क्सवादी हो चुके थे। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका निकट संबंध स्थापित करने वालों में मेरे ख्याल है सबसे बड़ा हाथ कविवर नरेंद्र शर्मा का था। नरेंद्र जी भी तब तक फिल्म क्षेत्र से संबंध होकर बंबई आ बसे थे। हम तीनों को वहां मिल जाना हम तीनों के लिए अत्यंत लाभप्रद हुआ। सन 42 के आंदोलन के बाद मेरा मन बहुत बिखर गया था। उस समय ऐसा लगता था राष्ट्रीय आंदोलन अब खत्म हो गया। जेलों में कैद नेता अब लड़ाई चलने तक न छूटेंगे और लड़ाई कब तक खत्म होगी यह उन दिनों कहा नहीं जा सकता था। रामविलास की नई उपलब्धि मार्क्सिस्ट विचारधारा मुझे भी लुभाने लगी है। अब हम लोग घंटों आपस में बात करते। एक दिन शाम को घर लौटने पर बातों के प्रसंग में विलास ने मुझे बतलाया कि वे कम्युनिस्ट पार्टी के विधिवत सदस्य बन गए हैं। सुनकर मेरे दिल को एकाएक धक्का लगा। किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो जाना मुझे चूंकि स्वयं अपने लिए पसंद न था, इसलिए रामविलास का यह काम मैं सराह न सका। मैंने कहा, तुमने यह अच्छा नहीं किया। पॉलिटिकल नेता अधिकतर साहित्य को बड़े ही हल्के तौर पर ग्रहण करता है। दोस्तों, जब बात चलती है पॉलिटिकल लाइफ की, तो पॉलिटिक्स और साहित्यकार इन दोनों का हम कहे कि इन दोनों की कभी बनती नहीं है, क्योंकि साहित्यकार जो है वह आदर्शवादी यथार्थ को प्राप्त करता है और पॉलिटिकल पर्सन जो थे, माफ कीजिएगा, हमें किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाना है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसका दर्शन आप लोगों को करवाना है कि पॉलिटिकल क्षेत्र में जब वह व्यक्ति चला जाता है तो वह साहित्य को न्याय नहीं दे पाएगा, ऐसा हमारा कहना नहीं है, बल्कि ऐसा कहना अमृतलाल नागर जी का है। क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो रामविलास को अच्छा नहीं लगता है। रामविलास बोले, कम्युनिस्ट पार्टी तुम्हारे कांग्रेस की तरह नहीं है भैयो। यह मत भूलो कि लेनिन के साथ बराबरी में रूसी जनता का नेतृत्व करने वाला एक साहित्यकार गोरकी भी था। यह मत भूलो स्वयं मार्क्स और एंगल्स राजनीतिक नेता नहीं वरन विद्वान दार्शनिक थे। साहित्यकारों के लिए अगर किसी पार्टी में महत्व का स्थान है तो कम्युनिस्ट पार्टी में ही होगा, सोचकर मैंने फिर उनसे बहस नहीं की। इसके बाद मार्क्सवादी विचारधारा की पुस्तकों का गंभीर अध्ययन मैंने अवश्य आरंभ कर दिया। दोस्तों, ये मार्क्सवाद क्या है? एक पल भर के लिए हम कह दें कि मार्क्सवाद यह है कि जहां पर शोषण होता है ना, शोषक और शोषित इन दोनों पर जो रूल्स रेगुलेशंस बिठाता है, दैट्स कॉल्ड मार्क्सवाद। मतलब मार्क्सवाद एक ऐसा वाद है कि जो अन्याय के खिलाफ न्याय देने में प्रवृत्त कर दिया जाता है, उसे मार्क्सवाद कहा जाता है। और मार्क्सवाद के रामविलास जी बहुत चहेते थे। साहित्य
रामविलास तेजी से पार्टी में आगे बढ़े, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं उन्हें पार्टी की अंतरता में कभी भी प्रविष्ट नहीं कराया गया। उनकी विद्वत्ता अच्छे अच्छों को अपने बस में कर लेती थी। सन 1950 में रामविलास प्रगतिशील आंदोलन के प्रमुखतम नेता मान लिए गए और यहीं से उनके और पार्टी के रिश्तों में अंतर पड़ना प्रारंभ हो गया। पॉलिटिकल लीडरी में ऊंचा स्थान पाते ही लोग बाग और अपनी गद्दी को कायम रखने के लिए गुटबाजी के चक्कर पड़ जाते हैं। अपना गुट बनाना, दूसरों के गुट तोड़ना हर लीडर का धर्म है। प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री डॉक्टर रामविलास शर्मा ऐसी लीडरी करने के आज भी सर्वथा अयोग्य हैं, उस समय तो थे ही। वे निर्भीक विचारक और समालोचक की तरह दूसरे लोगों की कमजोरियों को टोक देते थे। यह टोक टाक बहुतों को अंदर ही अंदर सहमा देती थी। अनेक प्रसिद्ध मार्क्सवादी लेखक रामविलास की आलोचनाओं से आतंकित हो उठे, दबे छिपे उनका विरोध होने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी में श्री बीटी रणदिवे का सत्ताकाल समाप्त हुआ और करीब करीब उसके साथ ही साथ रामविलास के साहित्यिक लीडरी भी खत्म होने लगी। रामविलास अपने आलोचकों को बराबर मुंह तोड़ जवाब देते रहे। प्रगतिशील ने रामविलास पर आरोप लगाया कि उनकी आलोचना के कारण साहित्य का प्रगतिशील आंदोलन चौपट हो रहा है। अनेक मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट लेखक ही नहीं जुड़े, वरन ऐसे अनेक लेखक जो कहीं न कहीं विचार साम्य होने के कारण प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे, एकाएक बेहद नाराज हो उठे। दोस्तों, कि जब कोई व्यक्ति मार्क्सवाद को अपनाता है, कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी को अपनाता है, उसे अपनी पार्टी के साथ लड़ने के लिए, अपनी चेयर को साबित रखने के लिए गुटबाजी करनी पड़ती है, कहीं पर गुटबाजी तोड़नी पड़ती है। जो गटबाजी होती है, गुटबाजी होती है, इनके साथ साथ जब रामविलास शर्मा भी चल रहे हैं, तो निश्चित ही वो साहित्य से बाहर निकल पड़े। साहित्य से बाहर इसलिए भी निकल पड़े क्योंकि उनका जो चित्त था, उनका जो केंद्र था, उनका जो लक्ष्य था, वो राजनीति की तरफ चला गया। जैसे हम लोग होते हैं, हमारा आधा चित्त घर में होता है और आधा चित्त पढ़ने में होता है, ओके। और जब हम आपको लेक्चर्स के लिए बढ़ाते हैं, तब हमारा चित्त घर पर होता है, तो हम लोग ध्यान नहीं दे पाते और प्रश्न उभर कर आते हैं तब कि हमारी समझ में तो मैडम कुछ भी नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि हम जानते नहीं है कि लेक्चर के बीच में क्या हो रहा है। जब हमारा चित्त एक जगह पर होता है तो हम उस बातों को समझ सकते हैं। ठीक ऐसे हुआ हमारे रामविलास के साथ भी, कि जब भी रामविलास अपना कार्य कर रहे थे, राजनीति में वो चले गए, तो उनका चित्त साहित्य से हट गया। और जब साहित्य से हट गया तो अनायासी तौर पर प्रगतिवादी आंदोलन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। बहाने के तौर पर पंत जी की तत्कालीन नई कृतियों स्वर्ण किरण आदि की रामविलास द्वारा की गई तीखी आलोचना इस विरोध के लिए तात्कालिक कारण बन गए। यहां तक भ्रम फैला गया कि रामविलास जो कि निराला भक्त है, इसलिए उन्होंने पंत पर प्रहार किए। मैं लोगों के इस तर्क को एक क्षण के लिए भी स्वीकार न कर पाया। रामविलास निराला भक्त है ये सब जानते हैं, पर पंत के प्रति उनकी श्रद्धा किसी से कम नहीं, यह हम लोग जानते हैं। कविवर नरेंद्र जी की पंत भक्ति रामविलास की निराला भक्ति के समान ही एक लोक विदित सत्य है। रामविलास, नरेंद्र और मैं तीनों ही आपस में गहरे साथी हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जब स्वयं नरेंद्र शर्मा को भी रामविलास के विरोध में पंत के प्रति श्रद्धा भाव रखने की बात पर आज तक विश्वास न हो सका, तब औरों को क्या हो क्यों होता है। देखिएगा कि जब बात रिश्तों की चलती है, तो हम इसके पूर्व देख चुके हैं कि निराला और रामविलास, इन दोनों का जो प्यार था वह अलग था और इनकी भक्ति को लोग जानते थे, समझते थे, कई लोग इनको जानते नहीं थे। लेकिन जब रामविलास और निराला के प्रेम की बात आई, तो उनको जब इस प्रकार का पंत पर किया गया प्रहार था, तो ये सह नहीं कर पाए, क्योंकि स्वीकार करना एक अलग बात होती है। सबके सामने था कि वो दोनों कितने चाहते एक दूसरे को। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? पूजा कट गई क्या? ओके। रामविलास आलोचना के मामले में निष्प्रभ है। आखिर असर तो बैसवारे का ही है। आचार्य बैसवारा का असर मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। रामविलास आलोचना के मामले में निष्प्रभ है,
क्या है खासियत बैसवारे के लोगों की, कैसे होते हैं बैसवारे के लोग बताओ जरा। इसके पूर्व हमने आपको बताया था लठैत लेकर चलते हैं, है ना, मारते हैं पीटते हैं, बस मारपीट करते हैं, यही उनकी खासियत होती है। बताया था, नहीं बताया था, भूल गए क्या आप लोग? देखिए कि पिछले वीक से चल रहा है ये रामविलास शर्मा का, आज भी नहीं खत्म होगा और कल से आप लोगों को छुट्टी लग जाएगी। तो मुझे लगता है कि छुट्टी के दिनों में हम इसे केवल इस 30 बरस के साथी को, आपकी यदि आज्ञा हो तो हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यार छुट्टियों के बाद में हम उसे पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि कंटिन्यूशन नहीं रहेगा हमारे बीच का। हाँ धन्यवाद। तो देखिए क्या बैसवारे की जो खासियत है वह उनकी आलोचना में भी आ जाती है। आलोचना में आती है मतलब क्या, तो वो सटीक रूप में बता देते हैं कि जी आपकी ये गलती है, आपकी ये गलती है, ऐसा सटीकता से वो बता देते हैं। हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के भी यही तेवर थे। अपने से सदियों पुराने कालिदास से लेकर अपने समवर्ती लेखकों तक तो उन्होंने न बख्शा, मतलब किसी को भी नहीं बख्शा, जो है जो सच है वो सबके सामने उन्होंने रखा है। अन्याय के खिलाफ बात करनी है तो इनसे सीखना है कि क्या होता है अन्याय, और न्याय के खिलाफ हमें करने के लिए बिल्कुल अन्याय के खिलाफ बात करने में हिचकते नहीं है, ऐसे हैं सारे लोग। पूज्य द्विवेदी जी महाराज अपना इस न्यायोन्मुखी आतंक मुद्रा के बावजूद अपनी सहृदयता के लिए भी प्रसिद्धि पा गए, किंतु बहुत बाद में। मैं समझता हूं कि घमंडी डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में कभी न कभी यह लोक प्रचलित गलतफहमी दूर होकर रहेगी। यो भी इधर वर्षों से उन्होंने अपना समालोचकीय आतंकवाद बहुत कुछ त्याग दिया, उनके इस त्याग का पुण्य या पाप जो कुछ भी समझा जाए अधिकतर मुझे ही मिलना चाहिए। एक बार शाम को भांग के नशे में मैंने रामविलास को बहुत गालियां दी। रामविलास ठंडे ठंडे सुनते रहे। उनको इस प्रकार गालियां देने का कारण मैंने चूंकि स्पष्ट नहीं किया, इसलिए उन्होंने मेरे आवेश के क्षण बीत जाने के बाद मेरी ओर एक सिगरेट बढ़ाते हुए मुझसे पूछा, तू आखिर चाहता क्या है भैयो? देखिएगा इसके पूर्व के लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि बेटा आपको शांति के साथ आत्मसात करना चाहिए, शांति को आपके साथ लेना चाहिए, संतोष को आपके साथ लेना चाहिए, समाधान को आपके साथ लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए जब हमारे बड़े हमसे झगड़ा करते, हमारी गलती होने के बावजूद भी हमें शांत रहना है। लेकिन उसके बाद में जब सिलसिला सब शांत हो जाता है, सब उनके तेवर ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद में हमें उनको प्रश्न पूछना है, आपका आप आखिर क्या चाहते हो? अब ऐसा ही तो किया उन्होंने। उन्होंने ये सब हो जाने दिया और उसके पश्चात सिगरेट दे दी, हाथों में पानी का ग्लास देना है और पूछना है, पापा आप क्या चाहते हो? हमसे तो कोई गलती नहीं हुई क्योंकि हमने तो हमारा काम बहुत अच्छे से कर दिया। इतने प्यार से पूछोगे ना तो प्यार की हर चीज एक्सेप्ट हो जाएगी बेटा। तो यही बात, यही चीज हम नहीं बल्कि अमृतलाल नागर जी आपको समझाना चाहते हैं कि जब गुस्से में आए, बहुत नशे में आकर गालियां भी दे दी, लेकिन उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया, बाद में उसकी स्पष्टोक्ति दी। ये पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा केवल यही चाहता हूं कि अब मुफ्त की ठाए ठाए मोल लेना आज से छोड़ दो। तुम्हारी गली में कुत्ते भौंकते हैं और तुम अपना सारा काम छोड़ हाथ में लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ते हो, यह भला कहाँ की अक्लमंदी है? कितना प्यारा और यथार्थपूर्ण चित्रण किया है उन्होंने, कितना प्यारा चित्रण किया है कि गली में कुत्ते भौंकते हैं, गली के कुत्तों को तो भौंकना ही होना है, और जब गली के कुत्ते भौंकते हैं तो तुम फालतू में उनके पीठ पीछे दौड़ पड़ते हो, तो ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो। तो एक कहावत है, शायद आपको पता होगी या नहीं, मुझे नहीं पता, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, है ना। जब भी आप अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, नेक वाला काम करते हो, ईमानदारी वाला काम करते हो, चाहे वो विषय के प्रति न्याय देने वाला काम हो, चाहे वो घर में काम कर रहे हो, बाहर काम कर रहे हो, किसी टीचर का, जो भी काम कर रहे हो, लेकिन जब आप अच्छा काम करोगे तो आप निश्चित ही सबके दिल से उतर जाओगे। इसलिए क्योंकि तो ईर्ष्यालु स्वभाव व्यक्ति का होता है, और जिस ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण लोग आपको कहेंगे, हाँ वो तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत अच्छा समझती है अपने आप को, ऐसा जो भी है, जो भी है, तो आप उनके डिस्कशन में मत जाए, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो गले के कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात हमें अमृतलाल नागर जी से सीखने को मिलती है कि वो क्या समझाना चाहते हैं।
वह समझाना चाहते हैं अमृतलाल नागर कि ये फालतू की छांटा करना छोड़ दो। मतलब जब आप इस प्रकार की किसी पर आलोचना कर रहे हो, समालोचना कर रहे हो, एक अच्छा आलोचक बन रहे हो, तो कृतियों के बारे में आलोचना करो। ऐसे अंधे फंदे लोगों के बीच में क्यों चले जाते हो, क्यों ऐसे फालतू लोगों के चक्कर में जाते हो और अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, बस ये चीज आपको समझाने लायक है। रामविलास सिगरेट का कश खींचकर बोले, ठीक है अब न करूंगा, लेकिन कुत्ते अगर मेरे घर में घुसे तब मैं क्या करूं। देखो कितनी अब जब बात चल रही है कुत्ते को घुसने की, तो कुत्ते की मारपीट करने की या कुत्तों को लाठी लेकर भगाने की, तो अमृतलाल नागर जो ने समझाते हैं कि तुम्हें इन फालतू कुत्तों के बीच में नहीं आना चाहिए, वो तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। लेकिन रामविलास शर्मा जी भी उनको तुरंत सवाल करते हैं, हाँ ठीक है तुम्हारी बात को हम मान लेते हैं पल भर, लेकिन वो जो कुत्ते हैं वो यदि मेरे घर में आकर घुस गए तो मैं क्या करूं। अब देखते हैं घर में आए हुए कुत्तों को कैसे निकालने का प्रयास करते। मैंने कहा, तब उन्हें हरगिज न बख्शना। जब तुम्हारे घर में आए और तुम्हें परेशान करें, तुम पर वो भोंकने का प्रयास करें, तब तुम्हें उन्हें हरगिज न बख्शना। रामविलास ने तब से ये लठा भरती प्राय छोड़ दिए। यदि कोई उनके उनसे किसी पर आलोचना प्रहार करने के लिए कहता तो कह देते हैं, भाई अमरुद ने मुझे गली के कुत्तों से लड़ने को मना कर रखा है। देखिए इसलिए हम आपको कहते हैं कि हमारे दोस्त भी ऐसे होने चाहिए, हमारे रिश्तेदार भी ऐसे होने चाहिए। हम यूं कहना चाहेंगे बेटा कि हमारी जो दोस्ती होती है ना, वो हमसे बड़े लोगों के साथ होनी चाहिए, है ना। हमसे बड़े मतलब क्यों, क्योंकि वो जो लोग होते हैं हमसे बड़े लोग जो होते हैं ना, वो लोग कभी भी जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, एज से बड़े होते हैं, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए, छोटे बच्चों के साथ दोस्ती मत कीजिए। इसलिए हाँ अब आपके माइंड में सवाल आता होगा कि हाँ तो फिर बच्चों से तिरस्कृत भावना रखनी है कि बिल्कुल नहीं, उनके साथ प्यार रखिए, लेकिन दोस्ती का जो बात हो, दोस्ती का जो सिलसिला होता है, यह अपने से बड़े लोगों के साथ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपको एक अच्छी और सच्ची राह देगा, वो आपको सच्चा परामर्श देगा कि नहीं बेटा आप ये गलत काम कर रहे हो, ये सही काम कर रहे हो, तो आपको सच्ची दिशा में ले जाने का काम आपका दोस्त करेगा, जो आपको कभी भी गुमराह नहीं करेगा। और यही हुआ कि जब रामविलास और अमृतलाल नागर जी दोनों समय सोने के पश्चात भी वो एक दूसरे को ऐसी सलाह देते हैं, आज बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं कि जो गलती करने के बाद उसकी उस गलती को स्वीकार करने में और उस गलती को स्वीकृत करने के लिए प्रेरित करते हो। ये दो चीजें हैं, पहली चीज तो उस गलती को स्वीकार करना और दूसरी चीज है कि अपनी गलती के इसके लिए उसे मोटिवेट करना, है ना। और ये दोनों चीजें अमृतलाल नागर जी में और रामविलास शर्मा में मौजूद थे, और इसलिए वो क्या कहते हैं कि गली के कुत्ते को कुत्तों के प्रति भौंकना मेरे लिए संभव अब नहीं है, क्योंकि अमृत ने मुझे डांट दिया है, मना कर रखा है। यहां तक क्लियर हो गए हो भाई आप लोग, तो बता दो, आज्ञा हो आपकी तो हम आगे बढ़े। आगे बढ़ना है, ओके समझ में तो आ रहा है बच्चों आपको सभी को। हाँ रामविलास के इस तरह लाठी उठाकर रख देने का सुपरिणाम भी स्पष्ट है। उसके बाद रामविलास ने सन 57 की राजक्रांति तथा भाषा और समाज जैसे दो ठोस किताबें हिंदी में तथा 19वीं शताब्दी की अंग्रेजी कविता के संबंध में एक पुस्तक अंग्रेजी भाषा में हमें दी है। इस समय भी वे निराला जी और शेक्सपियर पर दो पुस्तकें क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में लिख रहे हैं। मैं समझता हूँ इस तरह उन पर रोक लगाकर मैंने एक अच्छा काम ही किया है। बुराई मैं जितनी ही नजर आती है कि लोग बाग अब रामविलास को दंत नखहीन सिंह समझकर उन्हें चिढ़ाने अथवा नजरअंदाज करके धृष्टता करने लगे हैं। ऐसे विचारशून्य दम्भियों को यह हरगिज न बोलना चाहिए कि रामविलास उनके घर में घुस आने वाले कुत्तों को न मारने का वचन मुझे नहीं दिया। देखिए ना कि जब हम किसी व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं और मतलब उनको एक बुरे काम करने से बचाते हैं, तो वो काम कितना अच्छा बन सकता है, इसका
दस्तावेज यदि कोई है तो ये है कि अमृतलाल नागर जी ने रामविलास को इस प्रकार की आलोचना करने से रोक दिया। गली के कुत्ते भौंकते थे, मतलब सही में वो गली के कुत्तों के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हम यूं कहें कि जो फालतू के लोग उनके साथ बहसबाजी किया करते थे उन लोगों की बात कर रहे हैं। ध्यान देकर देखिएगा, सुनिएगा, गली के कुत्तों को भौंकना मतलब ये निश्चित ही चार पैरों वाला प्राणी नहीं है, बल्कि वो दो पैरों वाला प्राणी है जिसे उन्होंने केवल उपमा दी है, जिनको केवल एक प्रतीक माना हुआ है कि गली के कुत्ते हैं, भौंकते रहते हैं, है ना। मतलब ऐसे भी कई लोग हैं, समाज ऐसे ही होता है, ऐसा ही बनता है दोस्तों समाज, की जो अच्छी चीजों को स्वीकार करता ही नहीं है और बुरी चीजों को तुरंत ले लेता है। और हाँ, ऐसा हो इंसान, ऐसा हो तो ऐसे, हो तो वैसे, मतलब क्रिटिसिज्म करने में, किसी की आलोचना करने में वो इंसान बहुत अच्छा अग्रसर हो जाता है। यही फंडा है बेटा जीवन का। और जब व्यक्ति उन सभी समस्याओं से, इन सभी झंझटों से मुक्त हो जाता है, किसी के द्वारा प्रेरित किया जाता है, तो देख लिया आप लोगों ने कितना और कैसा असर हुआ हमारे रामविलास शर्मा जी पर, कि केवल अमृत के कहने से कि नहीं जाओगे आप, गाली दे दी उन्होंने, बक दिया, और लेकिन वो शांति से उनकी बातों को सुनते रहे कि नहीं, ये मेरा जो दोस्त है वो अच्छी बात बता रहा है मुझे, मैं नहीं भोकूंगा, इनके आगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं इनकी कटु आलोचना नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन जो मेरे घर पर आते, जो मुझे परेशान करते, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। अब देखिएगा कि जब उन्होंने ये काम करना छोड़ दिया, तब तो उनका जो समय बचता था, उस समय के बचने के साथ उन्होंने निराला पर एक बुक लिखी और शेक्सपियर पर एक बुक लिखा। मतलब देखिएगा कि एक पुस्तक उन्होंने अंग्रेजी भाषा में, भाषा सन 57 की राज्य क्रांति, भाषा और समाज, ऐसे दो ठोस किताबें हिंदी में, तथा 19वीं शताब्दी की अंग्रेजी कविता के संबंध में एक पुस्तक अंग्रेजी भाषा में दी। इतना बड़ा योगदान किसी के प्रेरित करने के साथ हो सकता है, ये बुक लिखने की पीठ पीछे की जो भाव भूमिका थी, ये भाव भूमिका हमें अमृतलाल नागर जी से मिले। मतलब आज यदि हमें सन 57 की राज्य क्रांति और भाषा और समाज, या शेक्सपियर की या निराला की जो बुक्स हमें 19वीं शताब्दी के पश्चात की मिलती है, तो निश्चित ही हम इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है ये अमृत को देंगे। लेकिन बुक तो हुई रामविलास शर्मा की, रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त हो गए, लेकिन लिखने के पीछे भाव भूमिका क्या थी, उन्होंने किसने उसे रामविलास को प्रेरित किया, यह किसी को पता नहीं है। लेकिन जब हम अमृतलाल नागर जी के इस इतने बड़े संस्मरण को पढ़ते हैं, तब हमें यकीन हो जाता है कि रामविलास शर्मा का प्रेरणा स्थान अमृतलाल नागर जी भी थे। क्लियर हुआ बच्चे यहाँ तक? अरे बेटा, ये मोबाइल सुनो मेरी बात, ये मोबाइल में लेक्चर ले रहे हैं ना, अब लैपटॉप हमारा, आज जो किसी बच्चे का प्रेजेंटेशन है वो लैपटॉप उनके पास चला गया, ठीक है, मोबाइल में लेक्चर ले रहे हैं, रिकॉर्ड भले हो रहा है, लेकिन आपकी मीटिंग कंप्लीट जब हो जाएगी ना, तो मुझे नोटिफिकेशन यहाँ का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा हम बता रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पर आपका जो दिखाई दे रहा है ना, ये हम पढ़ पढ़ कर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप, हम जो पढ़ रहे हो आपके सामने है ना। तो जैसे मीटिंग खत्म हो जाती है, आप कह दीजिएगा कि मैडम 1 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, ऐसा बता दीजिए, या आप खुद लिख लीजिएगा कि पेज नंबर कौन सा आया है, ताकि हम कल की तासिका से कंटिन्यू करें, और कल बेटा इसे कंप्लीट कर लेते अपन, चाहे 1 तासिका लगे, चाहे 2 तासिका लगे, लेकिन इसे कंप्लीट करेंगे। भले छुट्टी का दिन रहेगा कॉलेज के लिए, हम लोग तो अपने घर पर बैठकर छुट्टी मनाएंगे, रामविलास को और अमृत को पढ़ लेंगे, ठीक है। किसी की आवाज नहीं है, ओके हाँ। अक्सर रामविलास के संबंध में मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि हाँ, डॉक्टर शर्मा विद्वान तो बड़े ऊंचे दर्जे के हैं, सज्जन भी हैं, बस उनमें खराबी है तो यही कि वो कम्युनिस्ट हैं। यह सुनकर हंस पड़ने के सिवा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसा कि मैं पहले लिख आया हूं कि उनका कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना स्वयं मुझे भी खला था, लेकिन खलने का कारण कुछ और ही था। शुरू में मुझे यह भय था कि मेरा डॉक्टर अब इज मास्टर्स वॉयस बन जाएगा और पार्टी के काम में फंसकर अपना व्यक्तित्व खो बैठेगा, परंतु ऐसा कुछ भी न हुआ।
राजनीति से उनका गहरा लगाव है, लेकिन कोरे शास्त्रीय रूप में ही कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसे स्वतंत्र व्यक्तित्वशाली पुरुष को पचा नहीं सकती। पार्टी के ठेकेदारों ने उन्हें अपने अंदर घुलने मिलने न दिया। रामविलास भला अपनी ओर से प्रयत्न ही क्यों? नतीजा यह हुआ कि रामविलास पार्टी के मेंबर हो जाने के बावजूद वर्षों से पार्टी के बाहर ही है। उनके कम्युनियंस को भी अब मैं ठंडे तौर पर खूब समझता हूँ। रामविलास का बचपन गांव में अपने पितामह की छत्र छाया में भी था। उन्होंने अपने गांव में सामंती और महाजनी अनाचार अत्याचारों को देखा। वे उन्हें आमूल नष्ट कर देने के लिए अपनी कलम के बल पर जूझते रहे। रामविलास के बाबा शायद उनसे भी पहले के पुर के सिपाही थे। बचपन में अपने पितामह से उन्होंने शौर्य, सच्चाई, ईमानदारी से संबंधित अनेक बातें सुनी थी। उसका जोश उनके अंदर अब तक जोगा तो विद्यमान है। देखिएगा कि जब हम कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवाद, इन दोनों के अंतर को जब हम लोग देखते हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्यों एक साम्राज्यवाद को स्थापित करना चाहते हैं, एक अन्याय के खिलाफ बात करने की बात करती है। भले मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट इन दोनों का पर्पस एक जैसा था, लेकिन दोनों पार्टियां अलग अलग थे। देखिएगा जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी भी आजादी चाहते थे, और जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह थे, राजगुरु थे, ये भी क्रांतिकारी। मतलब देखिएगा दोनों का पर्पस एक था, देश को आजादी प्राप्त करना। लेकिन एक कहता था मारो तोड़ो फोड़ो राज करो, दूसरा कहता था कि बस शांति के साथ सत्य के साथ आजमाओ, कहीं पर भी लाठी काठी का इस्तेमाल मत करो, शांति शांति होनी चाहिए, ऐसा महात्मा जी का कहना था। लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, उस समय की यदि बात हम लोग करते हैं, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी और ये जो मार्क्सवाद, जो इनके बचपन के बीच था, मतलब जब रामविलास शर्मा जी का बचपन बीता, तो उस बचपन में भी जो जमींदारी प्रथा थी, जो लोग उनके बाबा पर, उनके परबाबा पर जो अन्याय अत्याचार करते थे और उनके खिलाफ ये लोग आवाज उठाते थे, और उनके पिता ने उन्हें एक सीख दी थी कि शौर्य के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हमें अपनी बातों को रखना आना चाहिए, ये सच्ची सीख थी। ये शौर्य था उनमें कि जो बचपन की यादों के साथ, उनके खून के धमनियों के साथ, जैसे उनकी यौवनावस्था बढ़ती गई, ये शौर्य उनके बचपन के बीज था जो उनके पिता ने उनके बीज में रोया था। रामविलास के बाबा स्वयं अपने पुत्र रामविलास के पिता से भी इसलिए असंतुष्ट थे कि उन्होंने एक साहूकार के यहाँ नौकरी कर ली थी। वे उन्हें बनिए का नौकर कहकर संबोधित किया करते थे। उन्होंने रामविलास के मन में अपने पिता के मार्ग पर न चलने देने के प्रबल प्रेरणा भर दी थी। नतीजा यह हुआ, पढ़ लिख कर रामविलास ठीक ठीक उस तरह के भद्र बाबू साहब न बन सके जैसे कि गांव के लोग पढ़ लिख कर बन जाया करते हैं। दोस्तों, बाबू और लाला, आप लोग शायद FYBA में एक कहानी सुने होंगे, पढ़े होंगे, आपको याद आ रही होगी, नौकरी पेशा कहानी है ना, बाबू है और लाला है। तो लाला से बाबू बनने की जो होड़ सबके दिल में छा जाती है, यह एक अनोखी होड़ होती है दोस्तों। ग्रामीण कस्बे के एरिया से लेकर उस परिवेश को जब हम परित्याज कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब हम बाबू बनने जा रहे हैं, तो असल में वो जो बाबू बनने की भूमिका है वो क्या होती है? किसी का नौकर बनना। नौकरी पेशा से तात्पर्य होता है कि हमें सारी मुसीबतों को झेलना। संडे का दिन होता है फिर भी उसे नौकरी पे बुलाया जाता है। नौकरी पे जब वो चला जाता है तो उसे यकीन देना पड़ता है कि नहीं, ऊपर वाला जो अफसर है वो किस पर, उस पर कितना ट्रस्ट करता है, इसलिए उन्हें संडे के दिन में बुलाया जाता है। तो यही हुआ, राम विलास बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इनके जैसा का, रामविलास के पिता भी नहीं चाहते थे कि वह रामविलास इस प्रकार का भद्र बाबू साहब का काम करे, लेकिन वो काम किए। इसलिए किए क्योंकि वह गांव के लोग जो थे वह पढ़ लिख कर बाहर निकलना चाहते थे, और वो पढ़ लिख कर बाहर निकलना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि वह गांव में परिवर्तनवादी विचारधारा को लाना चाहते थे। रामविलास के मन से धरती की सोंदास कभी नहीं गई, वे आज तक उसकी महक से महकते रहे। मुझे बचपन से ही तुलसीकृत रामायण के प्रति गहरा लगाव है। सन 30 के बाद हिंदी साहित्य में तेजी से बढ़ने वाली बुद्धिवादिता के जमाने में मेरी सांस्कृतिक आस्तिकता को गहरा झटका दिया। उस झटके का उपकार मानता हूँ। ईश्वर या देवी देवताओं के प्रति हमारे मनों में भक्ति की जो अंधी दौड़ होती है उसे खत्म होना ही चाहिए।
यह तो मेरा मन तब से ही मानने लगा, किंतु यह बात मेरे गले के नीचे कभी उतर ही न सकी कि प्राचीन धार्मिक पौराणिक साहित्य पढ़ने योग्य ही नहीं है। उसमें अंधश्रद्धा भक्ति देने वाले कोरे राम राम के सिवा और कुछ भी नहीं है। मेरे समवर्ती सुशिक्षित साहित्यिक बंधु रामायण को ओछी दृष्टि से देखते थे। देखिएगा कि जब हम रामायण की बात करते हैं तो कई कृतियां ऐसी हैं कि जिन कृतियों में हम पाते हैं कि उन कृतियों में मात्र केवल राम का चित्रण दिया है। कई कृतियां ऐसी है कि जिसमें अयोध्या का चित्रण किया गया है, जिसमें रामलीला का चित्रण किया हुआ है, जिसमें राम और रावण इन दोनों का, किसी में सीता हरण का, तो इस प्रकार का चित्रण करता है। तो कहीं ना कहीं उस रामायण को न्याय देने में वह साबित होता है, ऐसा रामविलास का कहना है। लेकिन जब वैज्ञानिक चिंतन करता है, समाजवादी चिंतन करता है, तो राम मतलब केवल श्री राम का बखान करना या श्री राम की लीला को अभिव्यक्त करना, इतना परिमार्जन किसी भी लेखक का नहीं होना चाहिए। न्याय के साथ काम करना है कि राम एकमात्र ऐसे धरोहर नहीं थे उस त्रेता युग के, वो तो सूत्रधार थे, लेकिन राम के साथ साथ कार्य करने वाले लखन थे, हनुमान जी थे, सीता मैया थी, सीता मैया को अपनाने वाले रावण थे। आज यदि हम रावण को जलाते हैं तो इसका प्रतीक क्या है कि उन्होंने बुरा कर्म किया। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि रामायण के पाठ को पढ़ने के पश्चात हम कहना चाहेंगे कि रावण ने कोई बुरा काम नहीं किया। भले वो सीता को भगाकर लेकर गए, लेकिन सीता की इच्छा बिना सीता को उन्होंने छुआ तक नहीं। मतलब देखिएगा कि जब लक्ष्मण उन्हें कहता है राम को, श्री राम को, कि मारो भैया, वो एक बाण उनके हृदय में मार दो तो रावण गिर जाए। गले पे मारते हो तो उनकी एक मुंडी चली जाती, दूसरी आ जाती है, क्योंकि नरों की मुंडियां लग जाती हैं उनको। तो लखन जब उन्हें कहता है कि उसके हृदय में बाण छोड़ो, तो श्री राम का कथन कितना प्यारा होता है। नहीं लक्ष्मण, उस रावण के हृदय में तो मेरी सीता मैया का निवास है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। मतलब देखिएगा कि कितना शुद्ध प्यार था, कितना शुद्ध प्रेम था। तो भगाकर जरूर लेकर गया सीता मैया को, लेकिन छुआ तक नहीं उनकी आज्ञा के बिना। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती तब तक उन्होंने अपनी सीता मैया को छूने का प्रयास नहीं किया दोस्तों। इसलिए आज हम लोग वो भगाकर लेके गए, इसलिए हम उनको जलाते हैं। उनमें होने वाली कुप्रवृत्तियां थी, इसलिए हम उन्हें जलाते हैं, है ना। लेकिन श्रीलंका में आज भी रावण को पूजा जाता है, ये बात तो ध्यान में रखनी है। लेकिन रामायण में जब हम लोग ये पढ़ते हैं, कई प्रकार के रामायण को लिखने का प्रयास, जैसे बड़े रामायण लिखा गया, जैसे रामचरितमानस में भी राम के बखान को तो हर चीज अलग अलग ढंग से लिखी गई। और जब रामविलास अमृतलाल नागर रामायण को पढ़ते हैं तो उनका कहने का तत्पर्य इतना है कि राम राम के सिवा और कुछ भी नहीं, मतलब श्रद्धा भक्ति बढ़े इनके सिवा उन्होंने और कुछ नयापन नहीं दिया। बहुतों की दृष्टि में तुलसीदास रघुवंशी राजा रामचंद्र भाट मात्र थे। वो अपने पास उस समय समाजवादी वैज्ञानिक चिंतन की बुद्धि कम थी, इसलिए जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली छात्र से रामविलास शर्मा मुझे तुलसीदास की प्रशंसा करते हुए मिले, तो कह न सकता मुझे कितना बड़ा बल मिल रहा था। रामविलास जिस दृष्टिकोण से रामचरितमानस की महत्ता बखानते थे, वह मुझे स्वयं अपना ही लगा। रामविलास एक और जहां धार्मिक ढोंग धतूरों के कट्टर विरोधी थे, वहां ही वे तत्संबंधी साहित्य का नए दृष्टिकोण से मूल्यांकन करते हुए उसके प्रगतिशील तत्वों को पहचान कर उन्हें प्रतिष्ठा देते थे। उस समय तक तो वे मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट भी न थे। मेरे रामविलास की घनिष्ठता का तब से लेकर आज तक एक जबरदस्त कारण यह भी है, इसे मेरा दंभ न माना जाए, हम लोगों को दिमाग भाड़े का टट्टू नहीं बल्कि अपना है। बाबा वाक्यम प्रमाणम की तरह किसी भी बड़े आदमी की कही या लिखी हुई बात हम अंधश्रद्धा भक्ति से जो कि तो स्वीकार नहीं करते। ये बात आप और हमारे बीच में आनी चाहिए दोस्तों। कौन सा वाक्य है? बाबा वाक्यम प्रमाणम मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? बाबा वाक्यम प्रमाणम का मतलब क्या है? पूजा?
अरे यार बोलो ना, हमने आपको बोल तो दिया कि मीटिंग कट जाएगी, मुझे पता नहीं चलेगा, हम अकेले बड़बड़ करते रह जाएंगे। और मेरे इस रूम में घड़ी नहीं है, और मोबाइल की घड़ी ध्यान में नहीं आती है। बाबा वाक्यम प्रमाणम की तरह किसी भी बड़े आदमी की कही या लिखी हुई बात हम अंधश्रद्धा भक्ति से जो कि तो स्वीकार नहीं करते। इस वाक्य से तात्पर्य बेटा यह है कि किसी ने आपको यदि कहा कि ये अंधश्रद्धा, देखिए ना कैसे होता है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारी खासियत यह है कि अभी तो दीपावली के त्योहार में घर की सफाई करते जा रहे, घर करते जा रहे करते जा रहे, घर में छोटा बच्चा था वो पत्थर कहीं से लेकर आया, थोड़ा बड़ा पत्थर था, फिर वो हम घर की सफाई करते करते हमारे घर की, घर में जो कुमकुम की पुड़िया थी वह कुमकुम बाहर चला गया, बुझाते उचाते और फिर वही कुमकुम उस पत्थर पर भी डाल दिए गए, अनायास हुआ ये सारा काम, लेकिन घर का द्वार बंद कर दिया गया। दूसरे दिन हमने देखा कि हमारे द्वार पर किसी ने वहां पर फूल चढ़ा दिया, किसी ने भोग लगा दिया, किसी ने दिया बाती लगा दी, ऐसा असर क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग मारते थे तो ये जो